सो हेलो पोकेमोन फैंस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ पोके साहिल। तो ये हमारे 10 दिन 10 वीडियो चैलेंज का पांचवा वीडियो होने वाला है, जो कि पांचवे दिन आ रहा है। आप बाकी सारी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं हमारे चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन ऑफ गो। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पे जो पोकेमोन है गो के, वैसे गो ने इतने पोकेमोन पकड़े हैं कि इतने सारों में से नंबर 10 काफ़ी मुश्किल से मैंने रैंक किया है, जो है एक नहीं बल्कि दो दो पोकेमोन। एक तो अपना हेराक्रॉस और दूसरा है पिंसर। ये दोनों की जोड़ी हमें एनिमे में काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई गई है। साथ में ये दोनों जब लड़ते हैं तो कमाल धमाल है, और ये दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, इसलिए ये नंबर 10 पे दोनों ही अपनी जगह बनाते हैं टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन ऑफ गो में। चलिए नंबर 9, राइचू। हाँ, ये वही राइचू है जिसके कारण एस पिकाचू विकसित होने वाला था राइचू में, ऐसी खबरें फैली थी। बात करते हैं गो के राइचू की, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन है। जब जब ये अपेयर हुआ है एनिमी में, इसने काफ़ी ज़्यादा झटका दिया है, और पिकाचू तो सभी को पसंद दिया है, और अब राइचू के बाद तो ये और भी ज़्यादा ताकतवर बन गया था। तो यही है इसकी खासियत। चलते हैं नंबर 8 की तरफ। नंबर 8 पे है एरोडैक्टाइल। जी हाँ दोस्तों, एरोडैक्टाइल हो गया, ऐसा वैसा नहीं, काफ़ी ताकतवर एरोडैक्टाइल। जिसने भी पोकेमोन लेजेंड आर्स के एपिसोड देखे हैं, स्पेशल जैपनीज वाले, उसमें आपने देखा ही होगा कि एरोडैक्टाइल क्या तबाही मचा देता है पूरे एपिसोड में। सबसे ज़्यादा जो आकर्षित किया गो का पोकेमोन वो एरोडैक्टाइल था, इसलिए मैंने इसे नंबर 8 पे रखा है। नंबर 7, डोमिनिटान। इसका नाम गलत ले रहा हूँ तो माफ। तो ये पोकेमोन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसे यूनोवा का राजकुमार भी कहा जाता है, और गो के पास भी ये है, और कोई ऐसा वैसा डोमिनिटान नहीं है। उसके पास एक स्पेशल तरह का डोमिनिटान है जो कि पत्थर बन जाता है, यानी स्टैचू। तो कमाल की बात है, जो कि इसकी पावर को बढ़ा देती है। और जब जब ये आया है ना, इसने हमें हंसाया है, साथ में डराया भी है। जिसने भी जर्नीस के एपिसोड देखे हैं उसे पता ही है कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये गो का सबसे ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन में से एक है। चलिए नंबर 6, 6 नंबर पे है अपना फ्लाइगॉन। जी अपना नहीं, गो का फ्लाइगॉन, अपन तो पकड़े ही नहीं है दुकान से। तो फ्लाइगॉन, इस एपिसोड में फ्लाइगॉन की सबसे ज़्यादा ताकत दिखाई गई, यानी इसी एपिसोड में फिर से टॉपिक से भटक गया। मतलब फ्लाइगॉन काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है गो का, क्योंकि गो ने फ्लाई, मतलब ऐसा पहली बार हुआ था कि डायरेक्ट थर्ड से पोकेमोन को गो ने पकड़ लिया था इजीली। लेकिन बाद में जब इसने बैटल दी, और हाँ लेजेंड आर्चेस में तो फ्लाइगॉन भी कमाल किया था एरोडैक्टाइल के साथ साथ, और इसकी पावर और पोटेंशियल लेवल को देखते हुए मैंने इसे रखा है नंबर 6 पर। नंबर 5, फिर से कोई और नहीं, सीजॉन। सीजॉन नंबर 5 डिजर्व करता है, क्योंकि इसकी जो पावर और पोटेंशियल लेवल थी ना, वो काफ़ी हाई थी। और आप तो जानते हैं इसे जोटो का किंग भी कहा जाता है, और ये गो का एक ऐसा पोकेमोन है जिसने, जब भी गो ने इसे, मतलब गो ने इसे ज़्यादा नहीं चुना, पर जितनी बार भी चुना है गो को, इसने जिताया ही है, यानी ये हारा एक भी बार नहीं है, इसलिए नंबर 5 पे अपनी जगह बनाता है। नंबर 4, मतलब वन एंड ओनली गो का एक और स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन गोलैक। गोलक का नाम पहले मुझे गोलम लगता था, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है, और आपने कई एपिसोड में देखा होगा कि पूरी बैटल को एक साथ रोक के तबाह कर सकता है। नंबर 4 जब है बनाता है। नंबर 3 पे है कोई और नहीं, ग्रोकी। ग्रोकी वैसे मैं काफ़ी नीचे रखने वाला था, क्योंकि इसकी पावर लेवल इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन गो के साथ अभी तक वो ट्रैवल कर रहे हैं साथ में, इसलिए मैंने उसे नंबर 3 पे रखा है। और वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर तो नहीं है, लेकिन इक्वल है, यानी बराबर। पर आई नो कि वो फ्यूचर में अगर विकसित होगा तो आगे बढ़ेगा, लेकिन अभी नंबर 3 पे उसकी जगह बेस्ट है। नंबर 2 पे कोई और नहीं बल्कि अपना है सेंड्रिस और इंटेलियन। ये दोनों ही काफ़ी अच्छे पोकेमोन हैं, और ये दोनों ही गलार के स्टार्टर हैं, बेस्ट हैं, लड़ाई में भी मस्त हैं, इनके बारे में क्या ही कहना, दोनों ही ज़बरदस्त हैं, इसलिए तो नंबर 2 पे अपनी जगह बनाते हैं। अब नंबर 1 पे भी एक नहीं, दो दो लेजेंडरी पोकेमोन हैं। एक तो अपना सीकून, दूसरा एटर्नस। बाकी इनकी पावर और पोटेंशियल आप लोग